हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी संस्कृत बोर्ड की वैल्यू क्या है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल थे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कल यूपी संस्कृत बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो हमने वीडियो बनाई थी। उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे थे कि जब रिजल्ट लोग चेक कर रहे थे तो साथ ही साथ उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन था आखिर ये संस्कृत बोर्ड की जो मार्कशीट है वो हर जगह काम करेगी या नहीं करेगी, क्या इसकी वैल्यू है या नहीं है, क्या ये आर्मी में लग सकती है या नहीं लग सकती, प्राइवेट सेक्टर में इसकी क्या वैल्यू है। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर वन चीज दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यूपी संस्कृत बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है, जैसा कि हमारा यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, जो ये स्टेट बोर्ड होते हैं सेम टू सेम वैसे ही ये एक स्टेट बोर्ड है। लेकिन इसके अंदर बच्चे बहुत ही कम क्वांटिटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यूपी बोर्ड एक नॉर्मल लैंग्वेजेस के बेस पे होता है और ये एक पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल संस्कृत के बेस पर होता है, इसीलिए इसके अंदर काफी कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, इस साल यहां पर करीब करीब 2 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और परीक्षा दी थी, 10th और 12th दोनों की ही बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर कम क्वांटिटी में बच्चे रहते हैं, सिर्फ यही रीजन है जो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यूपी बोर्ड सेम और यूपी बोर्ड संस्कृत सेम होता है, दोनों ही बोर्ड सेम होते हैं। यूपी बोर्ड के अंदर लैंग्वेजेस अलग अलग आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यूपी बोर्ड में आप जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए काफी सारे रास्ते खुले होते हैं। लेकिन संस्कृत बोर्ड में सिर्फ संस्कृत के बेस पर आपके जो आने वाले फील्ड्स होते हैं वो खुलते हैं। सबसे नंबर वन यहाँ पर टीचर की पोस्ट खुलती है, प्रोफेसर की खुलती है, पीएचडी कर रहे हैं आप तो ये लैंग्वेज के अंदर एक मेन सब्जेक्ट बनाकर इसको तब आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि आर्मी के अंदर क्या ये मार्कशीट काम करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों बिल्कुल करेगी। बहरहाल जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तीनों में जो सब्जेक्ट्स के लिए जो रूल्स दिए हैं उनको पहले पढ़ लें, उसके बाद आपकी मार्कशीट वहां पर लग जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में तो आपको पता होना चाहिए, आप अपने फील्ड में माहिर होने चाहिए, बाकी आपकी जो मार्कशीट है उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, यानी स्पेशलाइजेशन आपने उसी सब्जेक्ट में की हो जिस फील्ड में आप जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मार्कशीट की इसमें कोई वो नहीं है वैल्यू, क्योंकि यूपी बोर्ड और यूपी संस्कृत बोर्ड, बिहार बोर्ड, बिहार संस्कृत बोर्ड, सारे सभी बोर्ड स्टेट बोर्ड होते हैं और सभी सेम होते हैं। दोस्तों ये कल रिजल्ट आया था, इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किए थे कि यूपी संस्कृत बोर्ड की वैल्यू है या नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, संस्कृत बोर्ड को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम संस्कृत बोर्ड को लेकर एक पूरी प्लेलिस्ट जारी करेंगे। अगर आपकी कमेंट ठीक रहेगी तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप संस्कृत बोर्ड से पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो लेकर चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां पर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या संस्कृत बोर्ड के अंदर चीजें हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, हम अपने पीसी को ओपन करते हैं और यहां ब्राउजर में जाते हैं और यहां ब्राउजर को ओपन करते हैं तो यहां पर ये वेबसाइट है संस्कृत बोर्ड की, upmssp.in। दोस्तों upmssp.in, जबकि उत्तर प्रदेश बोर्ड की upmsp.edu.in होती है। दोस्तों संस्कृत बोर्ड यहां पर देखिए, ये लैंग्वेज है संस्कृत। यहां नीचे जाएंगे तो देखिए पाठ्यक्रम यहां पर 4 दिए हैं और यहां पर 1164 स्कूल कॉलेजेस हैं और 198 यहां पर विषय हैं। तो देखिए योगी जी का फोटो भी लगा हुआ है और अभी रिजल्ट जारी किया था तो उसके भी यहां पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, लेकिन ये वेबसाइट मुझे फेक लग रही है, UPMSSP। देखिए ये है रियल वेबसाइट। दोस्तों यहां पर देखिए 2022 परीक्षा परिणाम, ये तो यहां क्लिक करें तो यहां पर देखिए काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इस वेबसाइट पर जाकर, परीक्षा वर्ष 2022 की परीक्षा परिणाम। देखिए यहां से रिजल्ट देख सकते हैं आप और जो नए रजिस्ट्रेशन हैं उसको यहां से, जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो यहां से कर सकते हैं। और इसके अलावा अधिक जानकारी चाहिए तो यहां पर देखिए इस वेबसाइट पर नीचे सेक्शन है, ये देखिए यहां पर होम, परिचय, संपर्क, उद्देश्य, पाठ्यक्रम,
सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाठ्यक्रम यहाँ पर 5 दिए हैं, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। इसके अलावा और भी जानकारी आपको यहाँ पर चाहिए संस्कृत बोर्ड की तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं हमारे थ्रू जानना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।